मंदा बहन ने विनती करीश के वोट ऑफ थैंक्स आप माननीय श्री दिवेटिया साहेब आदरणीय मृणाल बहन आदरणीय अनिल गुप्ता जी आदरणीय ईला बहन ने यहाँ उपस्थित सब આભાર વિધિ કરવા જ્યારે પણ ઊભી થઉં છું આ પ્રસંગે દર વર્ષે હું જ કરું છું અને આ સવાલ મારા મનમાં રહે છે જ કે જે એક ઉપક્રમ ભારતીય સમુદાય શિક્ષણ સંઘે શરૂ કર્યો છે આ બધાના સહકારથી આટલા 18 વર્ષ સુધી અમે સળંગ એને કરી શક્યા છીએ અને દર વર્ષે આપણને એવા એક વક્તા મળે છે કે જે આપણી ચેતનાને આપણી સંવેદનાને ઝંકોરે છે એ ઝંકાર કેટલો વખત રહે છે ક્યાં અભિવ્યક્તિ પામે છે ને ક્યાં પ્રભાવિત કયા વિચારને કરે છે એ ખબર નથી પણ એક શ્રદ્ધાથી અમે કરીએ છીએ કે આવી વાતો જે વ્યક્તિઓને ઝંકોરે છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક તો અભિવ્યક્તિ પામે છે આજે નહીં તો આવતીકાલે મૃણાલબેન મેં આપકા કિતના આભાર માનું મુજે માલુમ નહીં હૈ લેકિન દો ચીજો કે લીએ મેં બહોત હી આપકે આભારી હું એક તો આપ 21 તારીખ કો આઈ ઓર વૈસે કેલેન્ડર મેં કોઈ ફર્ક નહીં પડતા 21 ઓર 22 ઓર 23 મેં ફિર ભી કહીં ને કહીં સંવેદના આપકી કિસી દિન કે સાથ જુડ જાતી હૈ આજ રામલાલ ભાઈ કી પુણ્યતિથિ હૈ और बहुत बहुत सालों के बाद ये बना कि हम 21 तारीख को ये कार्यक्रम कर पाए तो इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है दूसरी बात ये भी है कि आपने बहुत अच्छा विषय लिया इसके पहले हम साल में वैसे दो बार रामलाल भाई के याद में ऐसा कार्यक्रम करते हैं ये 21 नवंबर को और उनकी जन्मतिथि पर भी और वहाँ पे एक गांधी जी और पत्रकारिता इस विषय पे एक व्याख्यान पहले हुआ है आज ये दूसरा ये दो व्याख्यानों के बीच में ही मुझे अभी साल याद नहीं आ रहा है लेकिन 2004 या 5 में वो व्याख्यान हुआ होगा 2004-5 से आज 2017 की बात करें तो पूरी दुनिया बदल गई है उस दिन जो इश्यूज महत्व के लगते थे वो आज नहीं लगते हैं लेकिन आज आपने जिस ढंग से ये पूरे इश्यू को रखा जिस तरह से मीडिया लोकतंत्र और नागरिक और हमारा समाज इन सब को जोड़ा मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छी बात हुई रामलाल भाई हमेशा कहते थे कि भारतीयों में एक कमी जो रह जाती है वो ये है कि वो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं एकेडमिक स्तर पे उन्हें फ्यूचरोलॉजी में बहुत ही इंटरेस्ट था और ही वॉज ट्राइंग टू डेवलप इट वो डेवलप नहीं हो पाया उनके जीवन पर्यंत लेकिन फ्यूचरोलॉजी ये जो सब बातें हैं ये बातें आज जो बन रहा है उसका प्रभाव कितना और कब होगा इस बात का अंदाज़ा लगाते रहना ये किसी भी समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है और जो दूरंदेशी वो दिखाते हैं वो समाज हमेशा आगे बढ़ते हैं ये कहूँ इससे अच्छा ज़्यादा शांति से रह पाते हैं ज़्यादा सुख से रह पाते हैं और मेरे ख्याल से ये मीडिया की जो बात है और आज जो बातें हुई उसको इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि आज से 5, 10, 15, 20, 100 साल के बाद क्या होगा इसी तरह अगर हम चलते रहे और कहाँ कहाँ पे हमें बदलाव चाहिए ये चीज़ें बदलती रहेगी आज हमारी एक सोच होगी कल दूसरी होगी लेकिन वो सोच करनी पड़ेगी और उसी ढंग से हम आगे जा सकते हैं तो मैं फिर से आपका बहुत बहुत आभार प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी को मैंने सिर्फ फ़ोन किया था कि मृणाल बहन आ रही है और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि अगर वो आ रही है तो मैं आऊँगा ज़रूर से और बहुत व्यस्त है कल आज सुबह या कल रात ही वो बाहर से आए आज पूरा दिन यहाँ पे एक वर्कशॉप चलाते रहे अभी रात को भी उनका कोई लेक्चर है तो इतने व्यस्त कार्यक्रम में भी वो आए और उन्होंने जो बात की वो तो उसमें से पूरा संप्रेषण हो गया उसमें से कोई बात किसी को छूटी नहीं होगी इसलिए उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है बहुत स्पष्टता से और बहुत मैं क्या कहूँ कि
एक निष्ठा से और विचार से जो बात कही गई वो बात हमें इस राह पे आगे ले जाएगी. मैं आप सबकी भी बहुत बहुत आभार.